मुंबई के मानखुर्द नवीन मंडाला में न्यू पाइपलाइन का उद्घाटन मुंबई की महापौर किशोरी ताई पेडनेकर के शुभ हस्ते संपन्न हुआ। आपको बता दें कि मुंबई के मानखुर्द मंडाला में पीने के पानी की बहुत सालों से किल्लत थी, जिसकी वजह से रहवासियों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। वहीं इस समस्या का समाधान करने के लिए वार्ड क्रमांक 135 के स्थानीय नगर सेविका समीक्षा दीपक सकरे ने बीड़ा उठाया और स्थानीय लोगों के लिए न्यू पाइपलाइन लगाया, जिसका उद्घाटन मुंबई की महापौर किशोरी ताई पेडनेकर ने किया। इस अवसर पर स्थानीय लोग मौजूद रहे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सी अनुचरण स्वागत है। इस वक्त मानखुर्द के मुंबई मानखुर्द में मुंबई महापौर किशोरी ताई यहाँ पर विजिट पर हैं और यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं उनके लिए पानी की जो पाइपलाइन की शुरुआत आज से होगी, आज मैडम के हाथों से उद्घाटन होगा। मैम क्या कहेंगे, आज मानखुर्द की जो बस्ती है यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं लेकिन पानी की जो समस्या है आज आपके हाथों यहाँ पर उद्घाटन होगा, क्या कहेंगे? एक तो मुंबई का स्टार्ट बोलो या एंड बोलो, मानखुर्द को देखते लोग और मानखुर्द का नाम लेते ही पूरी भारी बस्ती से रहने वाले लोग, ऐसे कहा जाता है, उनके लिए इतना बड़ा पानी का काम करना हमारी नगर सेविका समीक्षा सक्रेताई, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। 750 मिलीमीटर 900 मिलीमीटर लाइन लेके आना, पूरा उसका काम करना इतना आसान काम है नहीं। और 18 करोड़ के ऊपर जो निधि उसको दिया है, तो मुझे लगता है मानखुर्द के लोगों ने जो अपना भारी कीमती वोट शिवसेना और सक्रेताई को दिया, इसका मतलब वो पूरा का पूरा जो वोट है उसको सक्रेताई उन्होंने न्याय दिया है। अपने बाला साहब ठाकरे साहब ने हमें जो शिक्षा दी है, जो एजुकेशन दी है, सामाजिक काम करो, उद्धव जी ठाकरे साहब या आदित्य ठाकरे सर, ये दोनों कभी भी हमें मार्गदर्शन करते तो यही कहते कि उसके लिए पानी चाहिए, वो लोगों के लिए संडास बाथरूम की सोई होनी चाहिए, ड्रेनेज ट्रोमोटर की लाइन होनी चाहिए। इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा रहे तो अपनी जनता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और उनको मदद करने वाले हमारे विभाग प्रमुख हैं जितेंद्र राउत साहब, हमारे माजी नगर सेविका है भारती बाहुदा ने, उन्होंने भी उनको सहयोग अच्छा किया है। और इधर हमारे जो शिव सैनिक रहते हैं शाखा प्रमुख उपविभाग, वो सब उनके साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। उसका नतीजा क्या होता है, तो उसका नतीजा यही होता है कि 900 मिलीमीटर की लाइन, 750 की लाइन और जो बंच ऑफ कनेक्शन अंदर अंदर रहते हैं वो भी उन्होंने किए है। तो मुझे लगता है पानी की समस्या मानखुर्द में अभी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पनवेल से आने वाली लाइन, इधर से आने, ऐसे कनेक्ट करके ये बहुत भारी काम है, इतना आसान काम नहीं था। लेकिन वो चुनके आने के बाद जो एक कॉन्क्रीट वर्क पूछा जाता है वो कॉन्क्रीट वर्क उन्होंने किया है। मुझे लगता है ऐसी ही नगर सेविका, हर काम में दखल देने वाली नगर सेविका होनी चाहिए। मैडम मैं जानना चाहूँगा कि आप भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जनता के बीच जाते थे, लोगों के बीच जाते थे, जो समस्या उसका समाधान करने के लिए, क्या कहेंगे कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि दूसरी लौट आने की तैयारी में है, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है सेकेंड जो बोलते हैं ना लौट आने वाली है, नहीं आने वाली है, लेकिन हम लोग तो BMC राज्य सरकार खुद मुख्यमंत्री पूरे रेडी है। लेकिन लोगों ने ये सोचना चाहिए कि सेकेंड लाट आ जाती है तो बहुत ही भारी मात्रा से अपने को उसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो मास्क यूज़ करो, सैनिटाइज़र हो, भारी भीड़ में मत जाओ, भीड़ भी है तो भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करके बच के रहो, क्योंकि COVID-19 की जो रुग्ण है अभी कम हो रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक हमें वैक्सीन नहीं मिलती है तब तक अपने को बच के रहना है। अभी मार्च में 2020 मार्च में आया, अभी 2021 आने की तैयारी चालू है,
तो मुझे लगता है 21 में भी बच के रहना है, आने वाले बाकी के साल हमें अच्छे देखना है, तो अभी का टाइम खराब है, बच के रहो, मास्क लगाओ, भीड़ में भी है तो भी सोशल डिस्टेंसिंग रहो और सैनिटाइजर हो रहो। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने जिस तरह कहा कि कोरोना को लेके मुंबई में महाराष्ट्र में जिस तरह की सतर्कता बरती जा रही है उसी तरह ठीक वो लोग भी नीति अपनाएंगे क्या कहें? नहीं, पूरा मुंबई और महाराष्ट्र, दिल्ली सरकार तो अपना रहे हैं वो खुशी की बात है, लेकिन पूरा वर्ल्ड में मुंबई का नाम गया है, मुंबई के महाराष्ट्र का नाम गया है, उसको चलाने वाले धीर संयमी नेतृत्व उद्धव जी ठाकरे को नामांकन मिला है, महापौर हमारा मुंबई के आयुक्त इकबाल चल उनको नामांकन मिला है, मुंबई की मेयर करके हमें नामांकन मिला है, इसका मतलब है हम लोग मुंबई की ख्याल करते हैं, देखभाल करते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राज्य का देखभाल, मुंबई की देखभाल, तो हम लोग तो रेडी है, लेकिन लोग सहयोग देते हैं तो सेकेंड लाट नहीं आएगी। हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजर हो और सोशल डिस्टेंसिंग यूज करो। जी हाँ, मुंबई की महापौर किशोरी ताई ने साफ साफ लोगों से विनती की है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज मुंबई के मानपुर में आज मैडम के हाथों यहाँ पर पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन होना है, सर क्या कहेंगे? आज मैडम यहाँ पर विजिट पे हैं, क्या कहें? बहुत ही बड़ा काम समीक्षा सक्रियताई ने किया है, जो 900 mm का लाइन यहाँ से 750 का लाइन, और मैं बरसों से यहाँ देख रहा हूँ कि पानी की दिक्कत कैसे हो रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या समीक्षा ताई ने हल की है, और उसमें हमारे जो महानगर पालिका में हमारे जो महापौर ताई है उन्होंने उनके मार्गदर्शन में और उनकी मदद से ये बड़ी इतनी लाइन पास हुई है। ये अकेले नगर सेवक का काम नहीं है, लेकिन समीक्षा ताई ने किया है तो सभी को साथ में लेके किया है। इनकी बदौलत हमारे स्थायी समिति के अध्यक्ष है, सभागृह की नेता है, महापौर ताई है, ये लोग ने सब ने सहयोग किया, इसके लिए इतना बड़ा काम समीक्षा ताई कर सकी है और ऐसे ही काम वो करती रहेगी। इसके पहले भी समीक्षा ताई ने अपने वार्ड के लिए बहुत सारा काम किया है और मुझे आशा है कि अभी पानी की जो समस्या है वो यहाँ के लोगों की हल हो जाएगी। समीक्षा सक्रे जी हैं यहाँ की जो स्थानीय नगर सेविका हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम क्या कहेंगे, जिस तरह यहाँ की हालत थी, पहले भी दूसरी पार्टी के नगर सेवक थे लेकिन जिस तरह काम बैलेंस रह गया था, यहाँ पे लोगों के पानी की जो समस्या थी उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कहें? गए 25 साल से यहाँ लोगों की ये मंडला विभाग में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, यहाँ के आमदार खासदार या नगर सेवक दूसरे पक्ष के थे लेकिन उन्होंने जितना ध्यान देना चाहिए था पानी लाने के लिए उतना ध्यान उन्होंने दिया नहीं, लेकिन लोगों ने विश्वास करके मुझे 2017 में इलेक्शन में जिता के लाया क्योंकि उनको विश्वास था अब कोई काम करेगा तो खाली शिवसेना ही कर सकती है, यहाँ विकास कराएगी तो शिवसेना ही करेगी, और उनको खाली एक ही समस्या मंडाले की थी कि पानी की समस्या, जो ये पानी की समस्या लोगों को इतनी तरसा रही थी कि 5 रुपया 10 रुपया कैन उनको बिकत लेना पड़ता था, लेकिन ये मैं खुद स्थायी समिति में सदस्य 2 साल रही तो वो 2 साल में मैंने 1.5 साल में ही ये 18 करोड़ का फंड लाके पाने के लिए मैंने मंजूरी लाई और अभी ये कार्य का पूरा मंडला का पूरा जलवाहिनी का काम पूरा हो गया और ये उद्घाटन आज होने जा रहा है महापौर हमारी किशोरीताई पेड़नेकर के शुभ हस्ते, और यहाँ की जो सायन पनवेल से जो लाइन आ रही है वो 900 mm व्यास की है और बैंगनवाड़ी से जो लाइन आ रही है जिसका पानी अभी लोगों को मिल रहा है, ये लाइन ये बैंगनवाड़ी से पानी मिल रहा है, लेकिन तब जब मैं चुनके आ गई तो चुनके आने के बाद मैंने तुरंत एक काम अच्छा किया होगा जो बैंगनवाड़ी से पानी लाना, क्योंकि पहले सायन पनवेल से लोगों को पानी मिल रहा था और हमारा मंडला विभाग ये लास्ट एरिया पड़ता था तो पानी का प्रेशर भी कम हो जाता था, लेकिन मैंने एक पूरा एरिया का देखा प्रचार और हमारे एम पूर्व विभाग से मैंने समस्या ये बताई तो उन्होंने बैंगनवाड़ी से जो कि 12 इंच का लाइन है उसको ज्वाइंट करके पानी यहाँ लोगों को अभी
अच्छा पानी मिल रहा है, लेकिन पूरा बस्ती बढ़ गई है तो उन्होंने लास्ट तक पाइपलाइन नहीं थी, तो अभी पूरा जूना पाइप निकाल के नया पाइपलाइन का पूरा मंडाले का पानी जलवाहिनी डालने का काम अभी किया है। मुझे एक खुशी है कि लोगों को जो इंतज़ार थी तो इंतज़ार अभी कम हो गया है, और जैसा ये पानी का काम अभी उद्घाटन महापौर मैडम से हो जाएगा तो हमें अच्छा लोगों का अच्छा मैसेज लोगों को मिल जाएगा कि शिवसेना ने कुछ किया तो अच्छा काम पानी का किया है। और पानी का ही नहीं तो मैंने और सब जो मंडाले के रोड्स है, करीबन 15 रोड्स का काम मैंने 3.5 साल में किया है। पूरा नया ड्रेन बनाए हैं, पूरा ये यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ सीवरेज लाइन, मेन सीवरेज लाइन लाने का काम भी मेरे माध्यम से हो गया है। जो ब्रिज का काम है वो भी मेरे कार्यकाल में ही चालू है। तो यहाँ मंडाले का जो विकास इतने साल से नहीं हुआ था तो ये विकास अभी अच्छे से हो रहा है, उसकी मुझे खुशी है। मुझे मेरे सेंट्रल एजेंसी के मेरे अधिकारी हो या फिर मेरे एम पूर्व के अधिकारी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये पानी का मंजूरी लाने तक काम पूरा कर दिया, उनका मैं शुक्रगुजार करती हूँ। और उनको भी मैंने महापौर उनका सत्कार, क्योंकि जो अपने को सहकार्य करता है उनका सत्कार होना, उनका स्तुति होना, ये मैं मेरा फर्ज समझती हूँ। इसके लिए मैं महापौर के हस्ते मैं उनका भी सत्कार अभी करने वाली हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुंबई के मानकुर मंडाला में जिस तरह पानी की समस्या काफ़ी थी लोगों की, लेकिन आज वो समस्या का समाधान होने जा रहा है। मुंबई की महापौर किशोरी ताई के हाथों उन पाइप लाइन का उद्घाटन होगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज मुंबई। जी ठाकरे यांचा।